You got the tools. Finally. I impressed you. Let's get you out of here. God. Oh, sorry. Sorry. Well, it looks like my dance career is over. Hey guys, welcome to the King's Club के एक और नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हमारा फ्रेंड एलेक्स हमारी पुरानी क्रैश बोट की तरफ कुछ टूल लेने के लिए गया था, बट उसकी काफ़ी देर तक खोज खबर नहीं मिलने के कारण लारा ने डिसाइड किया कि एलेक्स की जाके मदद करे टूल खोजने में, और रास्ते में देखा जाए तो ऐसे लोग मिलते रहेंगे हमें, तो इन्हें यहीं निपटा देते हैं। और मैं जहाँ तक जानता हूँ तो ये लोग यहाँ पे अकेले नहीं हैं, मैंने सही सोचा था। पहले जो आवाज़ नहीं कर सकते उन्हें मार देते हैं शांति से, फिर उनको देखते हैं कैसे मारना है। यहाँ ये लोग कुछ कर रहे हैं, आई डोंट नो क्या, बट पहले इन लोगों को निपटा देते हैं, नहीं तो ये लोग हमें भारी पड़ेंगे, कहाँ से आएंगे पता नहीं चलेगा। ये कुछ ऊपर ले जा रहे हैं, अरे रे गिर गया। इसको मार के देखता हूँ, बस देखे नहीं देखा। चलो यहाँ कोई नई आर्मी भी है मेरे ख्याल से। ओ भाई, ये लोगों ने अपने बंदे को मार दिया। ओ भाई, इसको भी मार दिया। मतलब यहाँ जो फोर्स है वो हम पे भारी पड़ सकती है, क्योंकि देखो हेलमेट वेस्ट सब है, मतलब ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है गांव के कि हम इन्हें तीर मारे और मर जाएंगे। इसको मारते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। कुछ नहीं हुआ, क्या बात है, किसी ने देखा ही नहीं हमें। बोलो, सामने बंदा मर गया, अब करे तो करे क्या, क्योंकि ओ भाई, अरे रे यहाँ वाले ने देख लिया यार। अरे मरा नहीं, मैंने जैसा कहा था भैया, तगड़ी आर्मी है, बम बारूद लेके ही आए हैं। मतलब इसे देख के ऐसा लग रहा है कि मिथाइस ने किसी और आर्मी से भी हाथ मिला लिया है और वो आर्मी हमारे पीछे छोड़ दी है। फिर कोई नहीं, हमें इन्हें भी मारना ही होगा, तो हम मारते हुए आगे बढ़ते हैं। बस कर भाई, मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं रिलोड कर रहा हूं इसकी इन्फॉर्मेशन कौन देता है। अरे भाई आराम से यार, भाई बम उन मार रहे, मतलब फिर से मार दिया, ताऊ ठंड रख ले। अरे भाई मर ही नहीं रहा, मरा चलो। ये तो साइड में कोई बकवास कर रहा है मेरे ख्याल से। हाँ आजा, देखते हैं किसका टाइम है। अरे नहीं यार, कोई नहीं आजा। सरप्राइज, इतने नल्ले होंगे मेरे को पता नहीं था। भाई इनका ही ड्रम पास में पड़ा है और इनका ड्रम कोई भी फोड़ सकता है, ये पता होने के बावजूद भी बंदा कवच लेके आगे आ रहा। खैर कोई नहीं, हमारा काम हो गया, हम निकलते हैं यहाँ से जितना जल्दी हो सके। एलेक्स के पास पहुँचना है, क्योंकि बंदा लारा को इम्प्रेस करने के चक्कर में बंदा अकेले ही निकल गया है। और लास्ट एपिसोड में देखा होगा तो कॉल पे भी बोल रहा कि लारा की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। हम भी देखते हैं बंदा क्या करता है। यहाँ भी कुछ है नहीं, ये बुक पड़ा है, उठा लेते हैं। हथियार वगैरह इधर जितना हो सके ले लेते हैं, क्योंकि ये लोग जो आर्म्ड गार्ड थे बहुत ही खतरनाक टाइप के थे।
अरे भैया ले भाई, तू ही रख ले, हमको नहीं चाहिए। बड़े कवर में खड़े हैं भाई, देख रहे हो? एक गया, बस कर भाई। इसमें कुछ हो ना हो पर रिलोड करने का मजा जो आता है ना भाई, एक झटके में रिलोड कर लेती। ये देखो अरे क्या लेके आ रहा, बच गया। कोई पीछे से आएगा ऐसा लग रहा है, मेरे को एहसास हो रहा है, आवाज आ रही है पीछे से, ऐसा तो कोई दिख नहीं रहा। अरे अरे आ गया, मुझे लगा ही था ये बड़ा चालाक हो रहा। ले भाग यहां से। बंदे की चालाकी देख रहे हो, बंदा घूम के आया है ऊपर से। फिर और आगे बात शुरू करने से पहले ही आ गए। चलो इनको मार के बात खत्म करते हैं, फिर देखते हैं। पर दिख नहीं रहे है कहां पे ये लोग, कहां है वो, तो होंगे तो सामने ही। ओरे ओरे देख भाई, ओ भाई ठंड रख ले। चलो एक गया, दूसरे का हेलमेट गया, वेस्ट भी गया, अब गोली खा के मरेगा। किसके पास है ये हथियार, दिख नहीं रहा, नहीं तो निपटा देता। बस कर भाई, अरे भाई अरे रे भाई साहब, उन्होंने पीछे ही फेंक दिया, उनको पता है मैं पीछे भागूंगा। चलो ये गया, तू भी मर, कितने खोलियां खाएगा रे। ये अच्छा कोई ऊपर नहीं आ रहा है, लो नाम लिया शैतान हाजी, मर जा भाग यहां से। अच्छा है इस जगह पे आने से पहले हमने सारे हथियार को अपग्रेड किया था, नहीं तो ये लोग जिस तरह से अपना हेलमेट वेस्ट और पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं ना, हमारे हथियार बहुत ही कमज़ोर पड़ जाते इनके सामने, और शायद हम मारे भी जाते। ओ भाई ऊपर बैठा है, भाग यहाँ से। अरे यार अब इसकी बॉडी लेने नीचे जाना पड़ेगा मुझे, खैर कोई नहीं ले ही लेते। ना जाने आईलेक्स अभी तक क्या कर रहा है, टूल ढूंढ रहा है या क्या कर रहा है पता नहीं, लेकिन हाँ ऐसा कौन सा टूल लेने के लिए गया है कि इतना टाइम लगा रहा बंदा। और जब इसके टीम के मेंबर ने बोला कि लारा भी मदद करने के लिए आ रही है, तो मना भी बोल रहा है बंदा कि भाई नहीं यार। अरे ये अलग लोग हैं यार, भाई साहब बम के बाजू में खड़ा रह के कौन गोली चलाता है। अरे आराम से लारा, अभी गिर जाती। ओके बेटी तो मिली 65 डॉल नट बोल मतलब डॉलर के। अब हम यहां से ऊपर तो जा रहे हैं आराम से आराम से, पर ऊपर से जाना कहाँ है ये हमें बिल्कुल नहीं पता।
और हम ऊपर क्यों जा रहे हैं ये भी मत। ओ भाई एलेक्स, व्हाट काइंड ऑफ ट्रबल हैव यू गॉटन योरसेल्फ इनटू। दो, पूरे तीन लोग खड़े थे यहाँ। फिलहाल तो इसे जला लेते। एलेक्स को जितना टाइम लग रहा है इस हिसाब से मुझे पक्का लगता है कि वो बंदा कहीं किसी मुसीबत में फंस चुका है, क्योंकि अगर वो नई मुसीबत में फंसा होता तो अब तक कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाता कि उसको टूल मिल गया है और रिटर्न आ रहा है ऐसा कुछ। लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है ऐसा कुछ न्यूज़, और ना ही सैम ने कुछ कन्फर्म किया है। तो जितना हो सके जल्दी हमें एलेक्स की तरफ बढ़ते रहना होगा ताकि हम एलेक्स को भी बचा सके, क्योंकि एलेक्स को बचाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि वो टूल मिलेगा कहाँ, क्योंकि एलेक्स को ही पता है मेरे ख्याल से टूल के बारे में, इसीलिए वो बंदा गया, नहीं तो हमें जाना पड़ता। फिलहाल तो हम यहाँ बैठ लेते हैं थोड़ा और देखते हैं क्या अपग्रेड करने लायक है या फिर यहाँ से निकलते हैं। फिर एक ही है कुछ, क्या बढ़ाएं, इसे ही बढ़ा लेते हैं, क्या बोलते हो? मस्त है, सीधा मुंह में तीर घुसेड़ देंगे, मतलब गर्दन में ही घुसेड़ेगी और कहीं नहीं। ओके, हम आई थिंक पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट हमारे बोट की तरफ जहां पे हमारा बोट क्रैश हुआ था। बट हमारा बोट बीच समुंदर में क्रैश हुआ था ड्रैगन ट्रायंगल के बीच में, और अभी जो हमारा बोट दिख रहा है वो काफ़ी किनारे पे आ चुका है। मे भी कोई कॉन्सिडेंस हो या फिर पानी के बहाव में यहाँ पे आ चुका हो। ओ भाई, यहाँ कुछ लोग हैं मेरे ख्याल से। खैर कोई बात नहीं, हम उन्हें भी मार के निकल जाएंगे। भाई टॉम राइडर का हल्क, इससे कैसे लड़ेंगे भाई? इसकी ताकत जिस हिसाब से, जिस कॉन्फिडेंस में वो चीज या फिर हैंगल को खींच रहा है ना भाई, ये तो पता चल रहा है कि बंदा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और कमाल की बात ये है कि भाई हेलमेट वेस्ट लगा के आया, आई थिंक हेलमेट नहीं लगाया, खाली उसने वेस्ट लगाया हुआ है, तो इससे बचना मुश्किल होगा। अरे देख लिया आपने को, भागो। अरे आराम से भाई, लारा सॉरी बोल के निकलते हैं यार, इतनी भड़कने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है हर लफड़ा। अरे आराम से ताऊ, अब तो मार के ही जाऊंगा, गुस्सा दिला दिया, गर्दन पकड़नी नहीं चाहिए थी तेरे को। अरे भाई अभी एक ठूसा खा के बैठेंगे लारा, दूसरी ठूसा में शायद जिंदा बचेगी। खोपड़ी पे ही अटैक करना है जितना हो सके, क्योंकि हाँ आई नो, बस एक मौका चाहिए तेरी खटिया खड़ी करने के लिए। अरे भाई साहब, पार्ट टाइम बॉक्सर का काम करता था लगता है। अरे लग जा, बस आ गया। चलो फाइनली गया, मुझे लगा नहीं था इतनी आसानी से मर जाएगा, लेकिन हमने अभी जो थोड़ी देर पहले स्किल खोला था ना, थैंक्स बोलना चाहिए उस चीज़ के लिए हमें, क्योंकि उस स्किल की वजह से हम इसे जल्दी मार सके, नहीं तो मुझे नहीं लगता था कि भाई ये हमें इतनी आसानी से मारता, क्योंकि एक ठूसा जिस हिसाब से पड़ गया था ना तो ऑलमोस्ट डाउन होने वाली थी। इससे इसके साथ कुछ नहीं करना है, तो करना क्या है इसका? फिलहाल ये गोलियां उठा दे, नहीं उठा रहे, आई थिंक इसको खींचना है। ओके, ई होल्ड करना है, आ गया, हाँ इसे ही करना था। ओ भाई
इसी बोट में एलेक्स है और इसी में हमने छेद कर दिया। हम हमारी पुरानी शिप के अंदर आ तो गए हैं लेकिन एलेक्स कहाँ है ये पता नहीं मुझे, क्योंकि अगर यहाँ नहीं है तो कहाँ गया, क्योंकि उसने बताया तो यहीं पे था। ओके, ये गेम की शुरुआत में हमें जो कमरा दिखाया जाता है ये उस वही कमरा है ना लारा का? हाँ ये वही है मेरे ख्याल से। खैर कोई नहीं, और ये वही मिरर जिसमें पहली बार लारा ने चेहरा देखा था और चेहरा देखते ही लारा की सिप क्रैश हो गया था। मैं लारा को मनहूस नहीं बोल रहा बट हाँ हुआ कुछ ऐसा ही था। ओ भाई यहाँ भी लोग हैं, मेरे ख्याल से यहाँ भी इन लोगों को मारते हुए ही निकलना होगा, ना जाने कितने हैं। पर पहला नंबर इसका लेते हैं क्योंकि वो अरे ताऊ शॉर्ट गन है, क्लोज में नहीं लेते। खैर कोई बात नहीं, चलो हम शिप के दूसरे हिस्से में भी जाके देखते हैं क्या है। आई होप एलेक्स यहाँ कहीं हमें मिल जाए, होना तो यहीं कहीं चाहिए। अरे भाई अब हम यहाँ तक आ गए हैं ना, मेरे ख्याल से एलेक्स आसपास ही होना चाहिए। चलो एलेक्स की आवाज तो आई, मुझे लगा ही था कहीं फंसा हुआ है। भाई साहब ने अरे रे इसके चक्कर में हमें करंट लग गया। अरे आराम से, भाई साहब ने अपनी टांग कहीं दे दी है और टांग फंसा के बैठे हुए हैं। चलो यहाँ पे इसको खोलने का कोई तरीका ढूंढते हैं, आई थिंक इससे काम बन जाना चाहिए। ओके वो पाइप तोड़ना होगा हमें मेरे ख्याल से। ओके क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? अरे नहीं जा पाएंगे, हमें एग्जैक्टली वो सीढ़ी के इधर ही रोकना है ताकि हम ऊपर चढ़ सकें, कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा हमें। ओके इससे शायद काम बन जाए, चिल्ला नहीं, पहले जब मदद के लिए आ रहे थे तो मना बोल रहा था, अब रो रहा है फालतू में। आ रहे हैं मदद के लिए टेंशन ना ले। अब क्या टांग दे दी तूने, अब टांग तोड़वा लिया, अब बिना टांग के घूमना और क्या। अब कोई तरीका ढूंढते हैं, क्या करें उस साइड जाए। ओके, इसको पीछे खींचते हैं। लारा जल्दी कर इससे पहले वो दबके मर जाए। भाई साहब हीरो बनने निकला था जीरो बन के रह गया, अपनी टांग तुड़वा बैठा। खैर हम आई होप उसे बचा ले। चलो रास्ता तो खुल गया तो आई थिंक हम उसे बचा लेंगे मेरे ख्याल से। बंदा हद है यार, लौंडिया इंप्रेस करने के लिए अपनी टांग दे दी इसने यहाँ पे आके। अरे भाई ये लोग भी आ गए, लो भाई साहब ऐसा कौन सा टूल है जिसके लिए इतनी मुसीबत उठाना पड़ा और एलेक्स को अपनी टांग देनी पड़े? ये सस्ते पाना पकड़ के लिए इसने अपनी टांग दे दी, ये तो वहीं से खरीद लेता यार, कहीं मिठाई सुताई से मांग लेता बंदा दे भी देता।
फालतू में इतनी मुसीबत मोल लिया। एक मिनट, क्या प्लान कर रहे भाई? आय हाय, फाइनली इम्प्रेस करने में सक्सेसफुल रहा। और मेरे ख्याल से हमारा एलेक्स का फ्यूनरल यहीं पे हो जाएगा। मैं सही था, बंदे ने हमें बचाने के लिए खुद के साथ साथ एलेक्स के बंदों को भी उड़ा दिया। अब हमें यहाँ से निकलना है, उससे पहले हम उड़ जाए। ओके, ये गजब का टूल है यार, उस सस्ते हेल्प को मार के हमने लिया जो भाई। अब हमें कहीं चढ़ना होगा तो एकदम मतलब इतनी मुसीबत उठानी नहीं पड़ेगी, और आराम से हमें रस्सी पकड़ के ही दबाना है, खाली आसानी से हम ऊपर चढ़ जाएंगे। पहले बहुत मेहनत करना पड़ता था। ओके, यहाँ से तो रास्ता क्लोज हो गया, अब जाने का रास्ता कहाँ से होगा? ओके, यहाँ से दिया है बॉक्स इन्होंने। ओके, मतलब अब हमें स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छा कर दिया है। चलो हम ये बैड न्यूज़ सैम और बाकी सबको दे देते हैं जाके, कि हमारा एलेक्स हमें इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी टांग के साथ साथ जान भी दे दी। और यहाँ कुछ नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। ओके, अब शायद हम इसे खींच सकते हैं, जिस तरह से रोशनी दिख रही है ना। हाँ, हो गया, चलो। चलो फाइनली ओल्ड लॉग बॉक्स। ओके, कोई किताब मिली है हमें, देखते हैं क्या है। आउटलुक बॉक्स, भाई साहब इतनी बड़ी किताब, बस कर भाई, इतना पढ़ना भी अच्छा नहीं है। एंशिएंट रुइंस इन द ओल्ड बेस, कंट्रोल ओवर द स्टॉर्म्स, आई नीड आंसर्स। ओके, अब उस जगह पे हमें जाना कैसे है देखना पड़ेगा। लेके तो जाऊंगा कैसे भी। ओके, वहां से नहीं तो कहां से है रास्ता, या फिर निकले यहां से सीधा जितना जल्दी हो सके। फालतू वाड़ा करने से अच्छा वो ज्यादा कितने रुपए देगा। नहीं, ये रख, खोज लेते हैं, मिल गया हमें, ये दरवाज़ा ही है, जंग लगा हुआ दरवाज़ा है, इससे आसानी से खुल जाएगा। खुल गया। ओके चलो, इससे भी ले लेते हैं। यहाँ और कुछ है क्या? दिख तो नहीं रहा है, निकलते हैं फिलहाल, ज़्यादा मगजमारी में नहीं पड़ते हैं। ओके, यहाँ और कुछ दिख तो नहीं रहा है। हम जहाँ से आए थे वहीं से निकलेंगे, और मेरे ख्याल से अब इतना घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ कहीं पे एक दरवाज़ा था, हाँ ये आसानी से अब खोल सकते हैं हम इस टूल के मदद से, मतलब मशीन या टूल जो भी बोलो, पर काफ़ी मजबूत टूल है देखा जाए तो। वो सामने कुछ पड़ा है, मैं इसे छपरी लौंडों की गिनती में गिनूंगा। बंदे ने लौंडिया इंप्रेस करने के चक्कर में अपनी जान दे दी। बंदा चाहता तो थोड़ा सब्र करके रुक जाता और हम साथ ही आते, और शायद हम आसानी से उन लोगों से लड़ लेते और उसे अपनी टांग तुड़वाने की और अपनी जान देने की ज़रूरत नहीं पड़ता। खैर कोई बात नहीं, मर गए तो मर गया बंदा। अब तक हमने टोटल 3 बंदे खो चुके हैं, 3 में से एक तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, काफ़ी क्लोज था, जो है हमारे कर्नल रोथ, जो फैमिली फ्रेंड भी थे और
देख कहने को हमारे बॉडीगार्ड भी थे, एक तरह से कह सकते हैं कि वो हमारे गार्डियन एंजल भी थे। लेकिन खैर जो हुआ सो हुआ, और अब हमारी कोशिश रहेगी इस टूल की मदद से जितना जल्दी हो सके बोट रिपेयर करके निकले यहाँ से, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी मुसीबतों का सामना कर चुके हैं। अब हम ये नहीं चाहेंगे कि और भी किसी मुसीबत में पड़े। ओके, यहाँ से आई थिंक डायरेक्ट जाने का रास्ता है ये, तो हम यहाँ से ही निकलते हैं। हमें चलो। ओ भाई यहाँ भी लोग हैं, खैर कोई बात नहीं, आराम से निपटा देते हैं। इसको तो लगभग पीछे से ही मार दूंगा मैं, वो ना देख ले। चलो ये तो गया, और एक बंदा आई थिंक खाई के किनारे है, तो उसको हेलमेट पे मारेंगे तो शायद दो सीधा नीचे गिर जाएगा मेरे ख्याल से। गया, सही है। अब एक ही बचा है, अब तेरा क्या होगा। निकल निकल, खेल खत्म। मैंने कहा था कभी कभार मैं अच्छे प्रेडिक्शन भी कर लेता हूँ। ओके, गेम का मोस्ट आइकॉनिक सीन मुझे ये लगता है भाई साहब। एक रस्सी से दूसरी रस्सी, दूसरी रस्सी से तीसरी रस्सी पे जंप करते हुए लारा यहाँ तक पहुँच तो गई है। चलो न्यूज़ सुनाते हैं। दो पाने के लिए हमारा एलेक्स मारा गया। विटमैन इसकी फुट मसाज कर रहा है। लास्ट टाइम अपने देखा तो मिथाइस कर रहा था, और मिथाइस ने फुट मसाज के चक्कर में पूरी लौंडिया ही उठा ली। अब विटमैन कर रहा है, कहीं ये ना उठा लेके जाए। सैम को बताना पड़ेगा भाई, हर जगह फुट मसाज नहीं करवाते। Those bastards went quiet, but it doesn't mean they're gonna stay that way. Okay. If I'm going to die in this place, I'm not gonna do it hungry. Okay. Save a man's stomach, save his soul. Finally, a little positivity. Once Reyes finishes the boat, we'll be back to civilization in no time. Okay. And what a tale we'll have to tell. A tale? I hope I never hear Himiko's name again. Same बोल रही है, मैं आगे जाके कभी हिमिको का नाम नहीं लूंगी। Don't start that bullshit again, Lara. सही है, सही सबक मिला है इनको। Matthias may be insane, but he was certain about it. I saw it in his eyes. He thinks resurrecting Himiko is the key to getting off this island. God, it sounds crazy. But this whole place is crazy. These storms aren't natural. We have to face that. She's right. Okay. When that storm hit the Endurance, I felt it. Alex बोल रहे हैं कि स्टॉर्म नहीं रुकेगा, हमें उसको फेस करते हुए ही निकलना होगा। Okay. लारा को ये लगता है कि स्टॉर्म कंट्रोल करने का कुछ तरीका है इस आइलैंड पे, तो जब तक बोट ठीक होता है तब तक लारा अपने एक्सप्लोरेशन के लिए निकलना चाहती है मेरे ख्याल से। सैम ने भी इजाज़त दे ही दिया, तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है जिससे स्टॉर्म को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि अगर वो स्टॉर्म कंट्रोल हो जाता है ना तो हमें यहाँ से निकलने में बहुत ही आसान होगा, क्योंकि अगर उसे कंट्रोल नहीं किया तो उतना बड़ा सिप उड़ा दिया था उसने, तो हमारी बोट तो उसके सामने मच्छर है, वो बेचारा कहाँ जाएगा। हम आई थिंक इस बार बच भी नहीं पाएंगे। खैर देखते हैं ऐसा क्या है इस जगह पे जो स्टॉर्म कंट्रोल कर सकते हैं जिससे। वाह लिफ्ट है, चलो कोई नहीं। डोंट बी से, मतलब लिफ्ट था, ये काम पहले ही कर देती यार, जब ऊपर चढ़ के ऐसे ही चढ़ के जाना था तो फालतू में लिफ्ट गिरा दिया।
खैर कोई बात नहीं, लटक के जा ही सकते हैं। रोथ का दिया हुआ गिफ्ट है हमारे पास। और ये जगह जिस हिसाब से दिख रहा है ना, मुझे लगता है यहाँ कुछ ऐसा होगा यार जिससे स्टॉर्म कंट्रोल किया जा सके। यहाँ तो पूरा भंगारवाड़ा लगा हुआ है, जहाँ तहाँ मतलब टूटे हुए चीज़ें पड़े हैं, टूटे हुए इक्विपमेंट्स पड़े हैं। भाई चलो ये चीज़ तो कहीं काम आ रही है, हमें बंदे को मार के हमें कुछ नुकसान नहीं, फायदा ही हुआ है। लोंडा जितना बड़ा खतरनाक दिख रहा था ना, ना जाने कितने आदमियों का खाना वो अकेले ही खा जाता होगा। इस हिसाब से मिथाइस को हमें थैंक्स बोलना चाहिए, हमने उसके फूड कंजप्शन को बचा लिया। नीचे कुछ पड़ा है मेरे ख्याल से। ओके, फिर से एक बुक मिला छोटा सा। खैर कोई नहीं, क्या देखते हैं कुछ है क्या ना। हाँ है भाई साहब, क्या जगह बनाया है। ओके, सामने लिफ्ट है लेकिन मेरे ख्याल से लिफ्ट चल नहीं रहा है, तो अब हमें उसे खींच के चलाना होगा। मेरे ख्याल से रस्सी लगी हुई है तो इतना मुश्किल भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। अरे आराम से, ऐसे तो गिर जाएगी। क्लोज आए वैसे ही कूद जाऊंगा। चलो अब वहाँ कैसे जाए। चलो ये भी क्लोज आ गया। ओ भाई क्या हुआ, हुआ क्या उधर, एक मिनट ऊपर चढ़ के देखता हूँ। अरे रे टाइम पे कूद गए हम, और क्या ही टाइमिंग पे पकड़ी है रस्सी। हाँ टाइम पे कूद के, नहीं तो लिफ्ट ने हमें नीचे ले जाना था आराम से। ये क्या हो रहा। चलो यहाँ आसपास में कुछ लोग हैं मेरे ख्याल से, यहाँ से चढ़ सकते हैं। नहीं ओके, दो लोग हैं, एक कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है, मतलब रिपेयर कर रहा है, और दूसरा बकवास कर रहा है। पहले किसको मारूं। ओके वो बंदा उस साइड जा रहा, पहले इसको ही निपटाई देते शांति से। उसको पता भी नहीं है कैसे कैसे लोग हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू। और कितना ऊपर चढ़ना होगा भाई, ऐसा ना हो वो लोग बोट रिपेयर करके हमें छोड़ के निकल जाए, फिर पूरी जिंदगी लारा यहीं एक्सप्लोर करती रह जाएगी। क्योंकि उनको टूल तो देके आ गए हैं, उसमें से एक तो ऐसी है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मरना नहीं चाहती है साइलेंट पे,
तो मेरे ख्याल से भागना पसंद करेगी बोट रिपेयर करते ही, और हमें भी समय रहते वहाँ पे पहुँचना होगा, नहीं तो हमें छोड़ के ना चले जाए। खैर हमारी फ्रेंड सैम पे भरोसा है कि वो हमें छोड़ के नहीं जाएगी, लेकिन खतरे की घंटी भी तो उसी के सर पे है देखा जाए तो। मिथाइस पड़ा भी उसी के पीछे है, और विटमैन पे भरोसा नहीं कर सकते, बंदा मेरे ख्याल से सामने वाली पार्टी से मिला भी हो, क्योंकि जिस तरह से अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए आ रहा था और बोल रहा था पीछे कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन जब जोना खोजने गया बंदा तो वहाँ कोई बंदा नहीं दिखा, मतलब कोई भी इंसान नहीं दिखा कि उसके पीछा कोई कर रहा हो, मतलब ऐसे ही आँख बंद करके गोलियाँ चलाते हुए आ रहा था, तो क्या पता वो हमें पागल बना रहा हो और सैम को लेने आया हो, मिठाई से कोई सौदा वौदा कर लिया हो, क्योंकि वो बंदा एक तरह का बिजनेसमैन है। ओके तो सैम को किडनैप करने के चक्कर में आया हो, ये भी हो सकता है। खैर जितना जल्दी हो सके हमें जानना होगा कि स्टॉर्म को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। आई थिंक ये टूट सकता है, ग्रेनेड ब्लास्ट से ट्राई करते हैं, मुझे लगा ही था। ओके हमें ये ऊपर से ही टूटेगा, क्योंकि यहाँ ग्रेनेड ब्लास्ट करेंगे तो नीचे ही आ जाएगा। ये कौन सा रास्ता है, चलो जाके देखते हैं। ये रहा, अरे नहीं यार ये वही है जहाँ से हम आए थे। खैर कुछ मिला इसी बहाने, चलो सस्ती पेटी मिली है इसे तोड़ के आगे बढ़ते। ये हो सकता है हमारे मिथाइस का हाइड आउट हो, क्योंकि जगह काफ़ी सिक्योर और सेफ जगह पे है और काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम भी लगाया हुआ है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है। और अगर ये मिथाइस की जगह है तो मेरे ख्याल से मिथाइस के कुछ बंदे भी यहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि इस जगह पे बिना सिक्योरिटी के ऐसे जगह हो ऐसा हो ही नहीं सकता आराम से। ओके मैंने कहा था जैसे कि मेरे ख्याल से दो तीन लोग हैं यहाँ पे। पहले दरवाजा खोलते हैं, शायद दरवाजे के उस साइड मिले। उन लोगों ने सुन लिया मेरे को। ओके ये तो गया, एक और मेरे पीछे बच गया भाई। एक को मारने गया वो बंदा पीछे ही आ गया। If I'm going to get to the ritual chamber in that monastery, I need to fix that boat. I don't know how I'm going to convince the others to take it inland rather than off this island, but I have to find a way. फिलहाल ये भी चलेगा। She wants to get back to her daughter. And she's in pain over Roth. We all are. I still don't know exactly what. Okay. तो मेरे ख्याल से ये हाइड आउट मिथाइस का नहीं था, ये वहाँ जो सोल्जर्स हमें मिले थे चाइनीज सोल्जर, ये उन लोगों का था, पर मिथाइस ने मेरे ख्याल से उन लोगों को मार के इस जगह पे कब्जा कर लिया है और बहुत ही बुरी तरह से मारा है मेरे ख्याल से, दिख रहे हैं, क्योंकि मिथाइस के पास इतने एडवांस टेक्नोलॉजी तो नहीं है लिफ्ट वगैरह बनाने का और ये सब, वो तो बंदा प्योर देसी है। ओके यहाँ भी लिफ्ट है, ओ
और काफी अच्छी पोजीशन में है, लेकिन वो जाम है। हमें नीचे जाना है और नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है मेरे ख्याल से। मुझे लगा ही था। ओके, रास्ते के उस साइड से ही बंद पड़ा है, दरवाजे का उस साइड ही, उस साइड से लॉक लगा हुआ है। मतलब हमें एलिवेटर को तोड़ना होगा। पहला एलिवेटर तो खुद ही टूट गया था, लेकिन दूसरा एलिवेटर को हम तोड़ देंगे। खैर कोई नहीं, तो हमें सारे एलिवेटर के वीक पॉइंट्स खोजने हैं और उसे एक एक करके तोड़ना है, ताकि एलिवेटर सीधा टूट के नीचे गिरे और नीचे हमारे लिए रास्ता बनाए। चलो देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं हम इसको। पहले फोर्थ फ्लोर का ही तोड़ते हैं जाके। ओके, ये गया, चलो बाद में ले लेंगे उसे। आई थिंक मैं नहीं जा पाया। खैर कोई नहीं, दूसरी बार ट्राई करेंगे। से कोई रास्ता नहीं है। Got to pry those other parts loose. यहाँ से कोई रास्ता है क्या? हाँ यहाँ पे है। चलो एक और गया। अब हम इसे यहाँ बुलाते हैं। ओके, अब हमें पूरे टाइमिंग के साथ उस होल में से जंप मारना है, ताकि हम सामने लटक सके जाके। आराम से लारा, फाइनली। चलो ओके, हम इस हॉल में से नहीं आ सकते थे, क्योंकि ये हॉल तो किसी और चीज के लिए दिया है। ओके, एक बचा है, एक को कैसे भी करके निपटाना होगा। फिर लिफ्ट सीधा नीचे जैसे हम आए। ओके, तो हमें मेरे ख्याल से इसके नीचे वाला, मेरे ख्याल से यहीं से होगा। आजा, आजा। ओके, चलो हो गया, लास्ट वाला भी डन। तो ये गया लिफ्ट नीचे। I think that did the trick. भाई काफी दिमाग लगाना पड़ा इसके लिए। ये अंदर से किसने दरवाजा बंद किया था भाई? ओ भाई, कुछ लोग भी है आसपास। ये लोग अजीब है यार, इतनी बड़ा लिफ्ट टूट गया, अभी भी वो लोग उधर खोज रहे हैं और पूछ रहे हैं कोई है क्या अंदर। भाई थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ यार। वैसे खैर उनका भी कोई दोस्त नहीं है, इतना सारा ब्लास्ट हुआ है, इतनी सारा चीजें बर्बाद पड़ी है, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आवाजें आती ही होंगी इनको गिरने उड़ने का। बट खैर कोई नहीं, आसपास तो से कोई दिख नहीं रहा है, पर होने तो चाहिए कुछ लोग। है। अरे
चलो ये गया। What the hell? ओके, किसी और ने देख लिया। What the fuck is going on here? कहाँ गया ये? What? अरे भाई मुंह दिखा यार, मारूंगा कैसे? That's my boy. बड़ा ही शरीफ बच्चा था यार, बोलते ही मुंह दिखा दिया उन। ओके, आई थिंक ये इंसेंट टेम्पल की तरह है। हाँ सही है, यहाँ पे शायद हमें कुछ हिमिको के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। चलो देखते हैं यहाँ हिमिको के बारे में क्या जानकारी मिलती है और स्टॉर्म को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। These figures, okay. Warriors, they're in Himiko's tomb. ओके, ये सारे वॉरियर हैं और ये हिमिको के टीम के मेंबर हैं। Is this you? ओके, some kind of general. और ये जो मरा पड़ा है वो जनरल है। You committed seppuku. ओके, उसने खुद को ही मार लिया है। ओके, It's beautiful. गजब। Still sharp. मोहतरमा, पुराने जमाने की तलवार है, आज के नहीं। वहां सब ठोक बजा के हुआ करता था उस वक्त में। चलो, इस बंदे ने कुछ सीक्रेट मैसेज छुपाया हुआ है हिमिको के बारे में मेरे ख्याल से। I have failed, my queen. The ritual was corrupted. The priestess knew only death could save her and took her own life. Now the first and last queen lives a half life. Okay. तो हमारी जो हिमिको क्वीन है वो फर्स्ट एंड लास्ट ऐसी क्वीन थी जिसके पास स्टॉर्म कंट्रोल करने की पावर थी, पर हिमिको के डेथ हो जाने के कारण हिमिको की जनरल ने कोशिश किया हिमिको की पावर को किसी और में ट्रांसफर करने की, पर फायर रिचुअल वो जो था वो फेल हो गया। तो जनरल ने क्या किया कि उसकी जो सोल थी उसकी ही डेड बॉडी में ट्रैप करके रख दिया और खुद को मार लिया। बट उसकी जो आर्मी थी वो अभी भी उस मंदिर को प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए शायद हमने सेकेंड टाइम जब मिथाइस से मिले थे तो मंदिर के पास ही खड़ा था और उसने जैसे ही हमें मारने का ऑर्डर दिया तो उसे लगा कि वो हमें नहीं, वो उस मंदिर में रखे हिमिको की बॉडी को चुराने आया है, तो उसके बंदों पे हमला कर दिया और हमें भी किडनैप कर लिया था। खैर कोई नहीं, हम यहाँ से निकलते हैं, बट मुझे नहीं लगता यहाँ से निकलने देंगे ये लोग। भाई साहब आराम से भाई, जिंदा वापस जाने दोगे नहीं? चल निकल, एक बार इनको निपटा लेता हूँ फिर आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ये भी गया। अरे भाई साहब, यहाँ हर कोई हर किसी का भाई है। बस ये लोग नीचे ना आए। ओ भाई आ भी गए। बम बारूद लेके आए हैं ये लोग, बस कर भाई। मरते मरते भी फेंक दिया और मरा भी नहीं। कहाँ जा रहा? ओ भाई कायर बंदा था यार, पेट पे गोली खाई बंदे ने। अब ये किसने फेंका? फाइनली, अरे मरे नहीं पत्थर गिरने के बाद भी। लो अपना ही बम फोड़ के मर गए ये लोग। कितने हो यार?
अब मुझसे भी सबर नहीं हो रहा, मरो अब। बस कर भाई, सीरियस मैं हुआ हूँ। मर भाई साहब, इसके आगे तो अच्छे अच्छे चुप हो जाते यार, तुम क्या चीज हो। तो हम कहाँ थे, जनरल पे। तो बंदा जनरल ने तो अपना काम करके चला गया, लेकिन जाते जाते हम सब की लगा गया। और जनरल ने तो हिमिको की बॉडी में उसकी रूह को ट्रैप करके रख दिया है, बट इस बात से हिमिको की रूह काफ़ी नाराज़ है। और उसका प्रकोप बोलो या गुस्सा, वो स्टॉम्प के ज़रिए हमें दिखा रही है। इसीलिए शायद इस आइलैंड के आसपास जो भी आता है क्रैश हो जाता है, जो भी प्लेन बोट आता है। ओ भाई, बच गया। और शायद इसीलिए मिथाइस हिमिको की सारी पावर उसके सक्सेसर को ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो उसकी बॉडी से सारी पावर निकाल सके और किसी सक्सेसर को ट्रांसफ़र कर दे, ताकि वो सक्सेसर यहाँ के आसपास में जितने भी खतरनाक स्ट्रोम चल रहे हैं उसे रोक सके। खैर, कहीं ना कहीं मिथाइस भी अभी तो मुझे सही लग रहा है, क्योंकि अपने विलेज को हर कोई लीडर चाहेगा प्रोटेक्ट करे, तो उसके तरफ से तो सही। एक मिनट, गोलियां चल गई भाई। ओके, हमारे बोट पे अटैक हो चुका है, जितना जल्दी हो सके वहां पहुंचना होगा। अब कहां से निकले जल्दी, चलो यहां से रास्ता है। अरे खींचना नहीं है मेरी माँ, हर जगह खींचा खाना नहीं करते। यहाँ लटका दे और चलो, यू वी गो। ओके, यहाँ भी बंदे हैं, कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात है नहीं, इन्हें निपटा देंगे। ओल्ले, चलो ये दोनों गए। आराम से मेरी माँ। ओके, वहाँ विटमैन तो है ही, तो मेरे ख्याल से शायद बचा ले। इतने कांड तो किए हैं बंदे ने, ये एक अच्छा काम कर ले। चलो, जिस तरह से वहाँ आवाज आ रहे हैं ना, पक्का बहुत सारे लोगों ने अटैक किया है वहाँ पे। अरे उतर जा, जितना जल्दी हो सके पहुंचो यार। देख रहे हो, फ्लेयर गन पे फ्लेयर गन चल रहे हैं भाई साहब। भाई कहाँ है लोग, ये घायल हुई पड़ी है। सैम कहाँ गई अपनी, जोना भी दिखाई नहीं दे रहा। तो हमारे गिर हाजरी में मिथाइस ने इन लोगों पे अटैक कर दिया। During the attack, Whitman took Sam and they disappeared. He's taken her back to Matthias. We should have listened. तो हमें जिस बात का डर था वही हुआ। विटमैन मिथाइस से मिला हुआ है और अपने फायदे के लिए सैम को मिथाइस के पास लेके गया है। ओके, लारा समझाने की कोशिश कर रही है कि जो भी करीब आएगा उसे स्टॉर्म तबाह कर देगा। Look, I don't have all the answers, but Sam being taken, I know it's linked. And if we try to leave here without understanding why, then we'll all die. Just like the pilots. Just like Roth. Look. Whatever's happening here, Lara deserves a shot. We can't go back to their stronghold. It'd be suicide. They won't take her there. They'll take her to the ritual chamber. We can use this inlet to get closer. Look, I know you want to get home to your daughter. Believe me, I do. But the fight's not over yet. I'm not asking you to believe, Reyes. I'm asking you to trust. Okay. Let's get this thing in the water. Okay, लारा ने अपनी क्रूमेट को समझा दिया है कि अगर हमने ये सब अधूरा छोड़ के निकले तो शायद स्टॉर्म के चपेट में आके हम सब भी मारे जाएं। तो कोई बात नहीं, हमें सैम को किसी भी तरह से बचाना होगा। वो विटमैन तो हराम ही निकला, हमें दोनों से इसे लड़के बचाना होगा। और मेरे ख्याल से हो ना हो तो हमारे को
हिमिको की आर्मी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो हम यहाँ जितना हो सकता है हमारे सारे वेपन अपग्रेड कर लेते हैं ताकि हम आर्मी का सामना अच्छी तरह से कर सकें, क्योंकि ये एपिसोड हम यहीं पे एंड करने वाले हैं और मेरे ख्याल से नेक्स्ट एपिसोड हमारा फाइनल एपिसोड होगा और बहुत ही धमाकेदार एक्शन और एडवेंचर से भरपूर होगा, क्योंकि वहाँ पे हमें एक तो हमें मिथाइस और विटमिन से सैम को बचाना है, दूसरा मिथाइस की आर्मी से लड़ना है, तीसरा हिमिको को भी रोकना है और हिमिको की आर्मी को भी रोकना है, क्योंकि हिमिको एक्टिवेट हो गई फिर से तो पता नहीं वो क्या करेगी। वो पहले से ही ट्रैप होने के चक्कर में गुस्सा है क्योंकि जनरल ने लास्ट टाइम उसे ट्रैप कर दिया था उसकी बॉडी में, और मैं भी अपनी पावर ट्रांसफ़र करने के बजाय वो हिमिको जिंदा होके अपने सक्सेसर को ही मार दे, कुछ भी हो सकता है। देखा जाए तो हम लोगों को दो लोगों की आर्मी का सामना करना होगा, एक तो मिथाइस जिसकी आर्मी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग जिससे हम शुरुआत से सामना करते हुए आ रहे हैं, दूसरा यहाँ जो टेंपल के अंदर जो हिमिको की आर्मी है उससे, और एक हमारा जो लालची लोंडा जो मिथाइस से मिल गया हमारा विटमैन उससे भी। खैर मैं उसे तो अपने हाथों से पर्सनली मारना चाहूँगा। तो मिलते हैं इस गेम के 90वें और फाइनल एपिसोड में जो काफ़ी एक्शन से भरा होगा। तो तब तक के लिए अलविदा। Thank you.